जिस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं होती, जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, कई बार नेबर में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि वो बच्चा कभी पढ़ता नहीं था या पढ़ता नहीं दिखा, या हमारे साथ क्लासमेट था, वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी वो आज गवर्नमेंट जॉब पे है। तो बहुत बार ऐसा होता है जिससे हम उम्मीद नहीं करते ना, अक्सर वही लोग आगे जाते हैं, वही कमाल करके दिखाते हैं। तो आप अब सिर्फ फोकस इस बात पे कीजिए कि हमें करके दिखाना है, क्योंकि बहुत लोग इस रिजल्ट के बाद आपको कह रहे होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपको करके दिखाना है। हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाइए, PYQs और एक्सपेक्टेड जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करती करते जाइए। कोई भी ताकत आपको GRF से नहीं रोक सकती। कहीं ना कहीं कमी रहती है, कभी ना कभी टाइम सबका आता है। अब कोई फर्स्ट टर्म में जो है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाता है, कोई सेकंड में करता है, कोई थर्ड में करता है, बट अगर थर्ड वाला या फोर्थ वाला अगर ये सोच ले कि मेरे से नहीं हुआ, तो एक बार में, दो बार में, तीन बार में वो ट्राई करके अगर छोड़ दे, तो वो GRF तक कैसे पहुँचेगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक बार में, कि हर एक बंदा जो GRF क्लियर करता है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो GRF होल्डर होते हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होता है, उन्होंने भी बहुत लोगों की बातें सुनी होती हैं। सो बाहर की तो सुनना और किसी को सुनाना छोड़ दो, सिर्फ अपना जो कंसंट्रेशन है वो बना के रखिए। अपनी यूनिट वाइज बहुत अच्छे से डिटेल में हर टॉपिक को देखिए, कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। पहले टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर उस यूनिट से रिलेटेड आप MCQ कीजिए, PYQs कीजिए। आप यूनिट को कहीं से मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत बार ये होता है, हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है बट कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है कि हम उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम में जो कमी रहती है, तो वहाँ पर उस कमी को भी आपको दूर करना है। तो पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि डायरेक्टली आप PYQs कर रहे हैं, डायरेक्टली आप MCQs कर रहे हैं। तो पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि आप जब MCQ सॉल्व करें तो आपका मोटिवेशन बढ़े घटने की बजाय। क्योंकि बहुत बार होता है हम MCQ करने लग जाते हैं और हमारे बहुत क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाता है कि हमारे तो सारे ही गलत हो रहे हैं। तो पहले कंसेप्ट कीजिए, एटलीस्ट आपको पता हो जिस कंसेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उस कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो डिटेल में, तो आपके क्वेश्चन देखिएगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलिएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर रॉन्ग भी हो रहे हैं, इट्स ओके, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही हमने डिटेल्ड जो हमारा कोर्स है वो स्टार्ट किया है, जो कि हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 3 से। और यूनिट नंबर 3 की मैंने प्लेलिस्ट इसीलिए अलग बनाई है कि हर टॉपिक आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो उसी से रिलेटेड हम गेस्टाल्ट थ्योरी पे पहुंच चुके हैं, जो लर्निंग की एक थ्योरी है कि पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होती है, चीज़ों को लर्न करके हम किस तरह से डेवलप होते हैं। तो जो गेस्टाल्ट वर्ड है वो किसी साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, गेस्टाल्ट वर्ड है जो जिसका मीनिंग है इनसाइट लर्निंग, जो कि तीन लोगों ने, यानी कि हम बात करें वर्दीमर की, हम बात करें कॉलर की, हम बात करें कोफ्का की, तो इन लोगों ने मिलके इस कंसेप्ट को दिया है। ये किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने नहीं दिया है, कुछ वर्क किसी ने किया है तो कुछ वर्क किसी ने किया है, मिलजुल कर इस लर्निंग को हमारे सामने लेकर आए हैं, इस थ्योरी को डेवलप किया है। तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी वर्दीमर की, आज हम बात करते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट दिए हैं इन्होंने और इनसाइट थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है वर्दीमर के साथ मिलकर। तो हम बात करें कोहलर की, तो जो कोहलर हैं वो स्ट्रेस डालते हैं कि जो लर्निंग है, जितनी भी लर्निंग है वो इनसाइट के थ्रू होती है, यानी कि हमारे अंदर से होती है। इनसाइट का मीनिंग क्या होता है? इनर साइट, सीइंग डीप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल डीप में देखना, डिटेल में देखना। तो जो कोहलर हैं वो स्ट्रेस डालते हैं इनसाइट लर्निंग पे। कोहलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आप हम सब जानते हैं कोहलर का एक्सपेरिमेंट किस पर था? मंकी, जिसे उसने क्या नाम दिया था? सुल्तान। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? सुल्तान पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उनको एक क्या था, बार में बंद कर दिया था, जो चिंपैंजी था उनको, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उस चिंपैंजी का नाम क्या रखा था? सुल्तान रखा था। फर्स्ट सिचुएशन उसने उनके सामने अलग अलग सिचुएशन रखी थी, स्टिक्स के साथ भी उन्होंने 2 स्टिक्स को यूज़ करके भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया,
फर्स्ट सिचुएशन में सुल्तान को बहुत भूखा रखा पहले, और उसके नियर क्या किया कि एक रूम में, या हम कहें एक बार में बंद कर दिया, और एक बंडल ऑफ बनानास जो उसने क्या किया उस रूम के सीलिंग पे क्या कर दिए, हैंग कर दिए, ठीक है। और टू वुडन जो बॉक्स थे वो थे वहाँ पर। तो फर्स्ट पोजीशन में उन्होंने क्या किया, बॉक्स पर चढ़ गया वो, और उसने चिंपैंजी ने बनानास उठाए और अपनी हंगर को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, पहले तो एक बॉक्स था जो पहले उसका जब हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा एक बॉक्स यूज़ किया, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा। तो उसने क्या किया, वो ये थ्योरी एक लर्निंग ट्रायल और एरर वाली थ्योरी है लर्निंग की, उससे डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कहते हैं स्पीयर्समैन जो हैं वो क्या कहने की कोशिश करते हैं कंडीशनिंग और क्लासिकल में पेवलो, और वो कि एक क्या होता है स्टिमुलस के थ्रू वो जो रिस्पॉन्स देते हैं बार बार वो ट्राई करते हैं, बहुत सारे एरर होते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एरर के लिए स्पेस नहीं दिया है, इन्होंने इंटेलिजेंस पे फोकस किया है। ये ध्यान रखना, जो गेस्टाल्ट थ्योरी है उसमें ये क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं, इनसाइट लर्निंग पे फोकस करते हैं, कि उसने अंदर से दिमाग लगाया, उसने ऐसा तो नहीं है वो बार बार किसी पुल को पुश करने के लिए या किसी बटन के लिए वो बार बार उछल रहा था, नहीं, उसने क्या किया वो कि उसने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को फिर दूसरे बॉक्स को उसके ऊपर रखा और इजीली बनाना ले लिए। उसके बाद उसने बनानास को और दूर किया और एक स्टिक रखी, फिर उसने एक बार के लिए दोबारा से ऐसे ही बॉक्स पे क्या हुआ, उसने यूज़ किया बॉक्स पे चढ़ के, उसने ट्राई किया जो हैंग कर रखे बनानास को उतारने का, बट वो नहीं कर पाया तो उसने उसका यूज़ किया, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और स्टिक रख दी और बनानास को थोड़ा सा और दूर रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों स्टिक्स को जोड़कर उस चिंपैंजी ने धीरे धीरे दिमाग लगाया, और फिर दोनों पहले एक स्टिक से उतर गए थे, उसके बाद उसने लगाया कि अब और भी दूर है बनाना, तो उसने दोनों स्टिक्स का यूज़ किया, उनको अटैच करते हुए उसने बनानास को उतारा। तो वो क्या फोकस करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते थे और क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, कि जो लर्निंग है वो इनसाइट होती है, हमें सोचना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को, हमें अंदर से सॉल्व करना पड़ता है टारगेट को लेकर, अंदर से जो पोजिशन होती है उसको अचीव करने के लिए इनसाइट, यानी हमारे अंदर ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, उसको सिर्फ निकालने की जरूरत होती है। इज इट क्लियर? तो इनसाइट लर्निंग के बारे में इन्होंने क्या कहा है, कि जो इनसाइट लर्निंग होती है वो डिपेंड करती है हमारे अंदर की सोच पर, इनसाइट पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर लर्नर के, कि हमारा लेवल क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। वो चिंपैंजी अगर ना सोच पाता, उसका इंटेलिजेंस लेवल अगर जीरो होता और वो उन स्टिक्स को ना जोड़ पाता तो वो बनानास कभी नहीं खा पाता। मेन स्ट्रेस क्या है कि ब्रेन के फंक्शन पे दिया गया है, जो इनसाइट गेस्टाल्ट थ्योरी है इसका, ये हम एक तरह से हम यहाँ देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट इस पर भी ले सकते हैं, कि ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि मेन स्ट्रेस इनका इंटेलेक्चुअल यानी कि ब्रेन फंक्शनिंग पे है, ठीक है। तो ये परसेप्शन पे बेस्ड है ये थ्योरी, मोर यूजफुल होती है एडल्ट्स के लिए, ये भी एक इसका अगर देखा जाए करेक्टरिस्टिक है, बट नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चों पर इतनी एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ये ज़्यादा यूजफुल होती है एडल्ट्स के लिए। और जो पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी पास इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होता है। उसके बाद हम कर्ट कोफ्का की अगर बात करें, तो कर्ट कोफ्का की हम बात करते हैं कि जो ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर भी थे, ये बहुत अच्छे प्रोफेसर भी थे। तो कर्ट कोफ्का ने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है गेस्टाल्ट थ्योरी को डेवलप करने में, और इन्होंने एक बहुत अच्छी दो बुक्स दी हैं जिनसे इनको जाना जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो कि 1935 में दी, और उससे भी पहले इन्होंने दी थी द ग्रोथ ऑफ द माइंड, ठीक है, कि माइंड का ग्रोथ कैसे होता है, और गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उसके प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने, जो कि जिसमें कि पूरी बुक में किससे रिलेटेड बात की गई है, परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन पे बेस्ड ये बुक है, इसमें सारी ही वर्क क्या है परसेप्शन से रिलेटेड है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर आप कीवर्ड उठाएंगे तो कोहलर क्या है, एक्सपेरिमेंट जो चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया है, वर्दीमर का क्या था, पाई फिनोमेना दिया था उन्होंने, ठीक है। और अगर यहाँ बात करें कर्ट कोफ्का की, तो वो परसेप्शन जो है वो लेकर आए हमारे सामने, परसेप्शन का जो इंट्रोडक्शन हुआ है गेस्टाल्ट थ्योरी में वो किसने किया है, हमारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट कर्ट कोफ्का ने। उसके बाद है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन क्या है, ये ग्रुप डायनेमिक फील्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने बहुत सारे फील्ड वर्क किए हैं, इनको फील्ड वर्क के लिए भी जाना जाता है,
ठीक है, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड, टी ग्रुप से रिलेटेड, ग्रुप डायनामिक, जो भी ये वर्ड हैं इन पे इन्होंने बहुत काम किया है, इनको इनके लिए जाना जाता है। सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर बोला जाता है कर्ट लेविन को, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ग्रुप डायनेमिक की स्टडी की थी कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होती है, यानी कि बहुत अलग अलग फील्ड की इन्होंने स्टडी की है। तो इसीलिए इसको, जो कर्ट लेविन है, इनको फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों थ्योरीज में ध्यान रखना, जैसे हमारे वर्दीमर हैं उनको पाई फिनोमिना के कंसेप्ट से जाना जाता है, जो कॉलर हैं उनको उनके चिंपैंजी यानी सुल्तान एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है, इनसाइटफुल लर्निंग से जाना जाता है। कर्ट कोफ्का जो हैं उनको परसेप्शन से जाना जाता है। तो ये कीवर्ड्स ध्यान रखना। और जो कर्ट लेविन है उनको फील्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब इनको, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम इनका डिफरेंस देखते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तरफ हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर की, ट्रायल एंड एरर की, और इधर हम बात करेंगे इनसाइट लर्निंग की, इनसाइटफुल लर्निंग की। अब देखिएगा, ट्रायल एंड एरर में हम बात करें तो ये डिपेंड करती है एफर्ट्स ऑफ द लर्नर। आर यू गेटिंग मी? एफर्ट्स की बात करती है कि कितने एफर्ट्स लगाता है एक बंदा, एक इंडिविजुअल, एक लर्नर, ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्राई, देखिए कोई भी काम के लिए कोई भी ट्राई कर सकता है, वो उसके एफर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनसाइटफुल जो होती है लर्निंग, वो डिपेंड करती है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिपेंड करती है। ये हमारी ट्रायल एंड एरर मेन स्ट्रेस डालती है फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी पे, जबकि ये क्या होती है, इनसाइटफुल किस पे स्ट्रेस डालती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे। ट्रायल और एरर जो लर्निंग है वो बेस्ड होती है हमारी सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन से, किस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपने मोटर स्किल्स को, और ये बेस्ड होती है हमारे परसेप्शन पे। यहाँ पर बहुत लिटल स्कोप होता है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का, बट इनसाइटफुल लर्निंग में ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग जो होती है उसका बहुत ही मैक्सिमम स्कोप होता है, मच स्कोप होता है। ट्रायल एंड एरर जहाँ सबके लिए अवेलेबल होती है, अवेलेबल टू ऑल, वहीं इनसाइट जो लर्निंग है वो सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होती है जिनका हायर इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, जिनके पास। ये मोर यूज़फुल होती है जैसे कि मेंटली डिफिशियंट केस में या चिल्ड्रन के केस में, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो ट्रेनिंग होती है वो, और जो हम बात करें कि यूज़फुलनेस के लिए कहें, तो ये चिल्ड्रंस के लिए नहीं होती है इनसाइटफुल। ये क्या होती है, मोर यूज़फुल होती है एडल्ट के लिए और ऐसे लोगों के लिए जिनके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। इज़ इट क्लियर? होप इनके डिफरेंस के थ्रू आप समझ जाएंगे कि किस तरह से जो ट्रायल एंड एरर यानी कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है और क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग है वो किस तरह से गेस्टाल्ट लर्निंग, इनसाइट लर्निंग से यूनिक है, डिफरेंट है, और कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये किस किस के लिए अवेलेबल होती है, किस लेवल पर होती है। होप ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। एंड इट वॉज ऑल अबाउट द गेस्टाल्ट लर्निंग, कि गेस्टाल्ट लर्निंग आपको समझ आ गया है कि किन किन लोगों ने गेस्टाल्ट में जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया है और किस तरह से ये उन हमारी लर्निंग की जो ट्रायल एरर जो लर्निंग है उनसे कैसे अलग है। इसी तरह से हम डिटेल में हर टॉपिक को करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।